Now we shall be discussing double sampling, which is also called as the two-phase sampling. When we were discussing multi-stage sampling, we have discussed multi-phase sampling. So the concept is similar, but we shall explain it in the name of double sampling. Double sampling, and in the process, firstly we shall outline the lecture. So let us outline. So you can see double or two phase sampling. इसको मतलब two phase sampling से भी जानते हैं, double और two phase. So what is the basic concept? As the name suggests, double sampling, sampling and sampling. Phase sampling, multi-phase sampling, we have already discussed these things. We shall again try to understand it, the merits of double sampling and of course the limitations of double sampling. So let us discuss in brief. So you can see double phase means one phase and another phase. We have already discussed this concept when we were discussing the multi-phase sampling, जो लिया और फिर उसमें से कुछ कम को लेके in depth study की, the concept is the same. So double sampling is like, rather it is multi-phase sampling and two-phase sampling we can say. The theory of double sampling is usually presented under the assumption that one of the samples is nested within the other. मतलब नेस्टेड घोसला का जो कंसेप्ट है, मतलब एक सैंपलिंग के भीतर दूसरा सैंपलिंग, ये इसका बेसिक रिप्रेजेंटेशन है. लेट अस लिसन दिस कंसेप्ट अगेन. द थ्योरी ऑफ डबल सैंपलिंग इज यूजुअली प्रेजेंटेड अंडर द अजम्पशन दैट वन ऑफ द सैंपल्स इज नेस्टेड विद इन द अदर. डबल सैंपलिंग इज ए टू फेज मेथड ऑफ सैंपलिंग इन विच an initial sampling run is followed by preliminary analysis, after which another sample is taken and more analysis is run. मतलब एक फेज में लिया, उसमें से कुछ लेके और फिर इन डेप्थ स्टडी की, जो हमने शुरू में कहा और जिसकी चर्चा हम लोग ने मल्टी फेज में भी की. डबल सैंपलिंग एज इट्स नेम सजेस्ट इज ए सैंपलिंग टेक्निक where sample of some individuals are drawn from the already selected sample. मतलब एक बार सैंपल सेलेक्ट कर लिया तो पहला, और उसमें से कुछ सैंपल को फिर ड्रॉ किया दूसरा, और इसीलिए डबल डबल. एज फॉर एग्जाम्पल, ए रिसर्चर सेलेक्ट रैंडमली 1000 इंडिविजुअल फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ 10,000 and again selects 300 individuals randomly from the already selected sample of 1000 to study certain characteristics in detail. वहां भी हमने एग्जाम्पल लिया था, क्या किया कि 10,000 लोगों में से 1000 लोगों को निकाला, और तो एक वो पहला सैंपल, और उस 1000 में से कुछ डाटा उन लोगों से कलेक्ट किया और कुछ और डाटा, इन डिटेल डाटा के लिए 300 आदमी को उसमें से निकाला और उनपे उनसे डाटा कलेक्ट किया. तो मतलब पहले 1000 कलेक्ट किया और फिर उस 1000 में से 300, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डबल फेज. फ्रॉम द सैंपल ऑफ 1000 100 और मोर मे बी सिलेक्टेड रैंडमली टू स्टडी रिलेटेड इश्यूज और प्रॉब्लम्स इन डेप्थ, और भी उसको दूसरे ढंग से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं. क्वेश्चनायर मे बी सेंड टू 1000 स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चनायर विथ मोर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस और थ्रू इंटरव्यू डाटा मे बी कलेक्टेड, या तो इंटरव्यू के लिए या क्वेश्चन में कुछ और इन डेप्थ क्वेश्चन बनाया जाए, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बनाया जाए, कई तरीके हो सकते हैं. तो पहले 1000 स्टूडेंट्स में से क्वेश्चनायर से कलेक्ट कर लिया और फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चनायर बनाइए, या फिर इंटरव्यू से आप
may be employed on 1000 randomly selected individuals from 1000 already selected sample. वहां 300 लिया तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक जगह 300 ले लिया, 1000 में से 300 निकालिए, लेकिन यहां 1000 में से बाद में 100 निकालने की बात कर रहे हैं. तो 300 और 100 में कंफ्यूज नहीं होइएगा. 300 इज रिप्लेसिंग इन दिस एग्जांपल बाय 100. सो 1000 एक बार में लिया और दूसरी बार में 100 लिया. एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग, मैं कुछ एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि किस तरह की स्टडी के लिए ये डबल सैंपलिंग या डबल फेज सैंपलिंग, टू फेज सैंपलिंग यूजफुल होगा. एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग, सब आदमी इस पे आपको नहीं दे सकता है, क्योंकि जो फैमिली प्लानिंग को समझता है तो आपको वैसे आदमी को सेलेक्ट करना होगा. और फिर यदि आप कुछ और भी जानकारी चाहते हैं, कुछ बहुत पर्सनल जानकारी हो सकती है, तो इस कंडीशन में आप सेलेक्ट कर सकते हैं रैंडमली कि कौन कहां से कैसे आपको मिल सकता है. प्रॉब्लम्स ऑफ वर्किंग विमेन टीचर्स, अब आप क्या जानना चाहते हैं, जेंडर प्रॉब्लम जानना चाहते हैं कि कुछ और ऐसा भी प्रॉब्लम, फैमिली का प्रॉब्लम जानना चाहते हैं. अभी जैसे कोरोना में बहुत सारी बातें हुई, कहा जाता था कि वर्किंग विमेन जो घर में है वो उनका ऑफिस का ऑनलाइन जो वर्क करना है वो तो करीब हो ही रहा है, घर में भी यदि चाय बनानी है तो उन्हीं को जिम्मेवारी है. मान लीजिए इस तरह का इंफॉर्मेशन यदि आपको चाहिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसके लिए ये सटीक मेथड है. सो एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ वर्किंग वीमेन टीचर्स एक्सेट्रा मे बी स्टडीड प्रॉपरली विद दिस सैंपलिंग टेक्निक वेयर इन डेप्थ और कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन आर नीडेड. तो सब जब स्थिति के लिए यूजफुल नहीं है, इस तरह की स्थिति हो, इस तरह के प्रॉब्लम हो, तभी ये ज्यादा यूजफुल है. सो फार एज इट्स मेरिट इज कंसर्न, इट यूजेस रैंडमनेस, फिर रैंडम होने की वजह से प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी होने की वजह से बहुत सारा जो स्ट्रेंथ है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक का, वो इसके साथ है, डबल सैंपलिंग के साथ. और वहां भी हम लोगों ने, आपको याद होगा, मल्टी फेज सैंपलिंग की भी जो हम लोगों ने चर्चा की थी, वो भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक में ही किया था. इट इज मोर यूजफुल फॉर लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च एंड फॉर मोर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, ज्यादा. सो फार एज इट्स लिमिटेशन इज कंसर्न, इट नीड्स एक्सपर्टीज, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, इन डेप्थ स्टडी न्यू रिसर्चर नहीं कर सकता, जब तक उस फील्ड का उसको बहुत ज्ञान नहीं है और रिसर्च के बहुत सारे प्रोसेस की जानकारी नहीं है. सो इट नीड्स एक्सपर्टीज, मतलब इंप्लीकेशन ऑफ दिस सैंपलिंग टेक्निक नीड्स एक्सपर्टीज, इट डिमांड्स मच टाइम एंड लेबर. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डबल सैंपलिंग. वी कैन नॉट डिस्कस मोर बिकॉज इन द नेम ऑफ मल्टी फेज सैंपलिंग इन सम वे और अदर वी हैव ऑलरेडी discuss this concept. So this is all about this sampling technique. Thank you.